नारायण 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 गोपाल नारायण दास, ये सामने से कौन आ रहे हैं? पंडोत बाबा, बाबा पंडोत, राजी रहे राजी प्रसन्न रहे रहो बाबा। हाँ, कहाँ से आ रहे हो, क्या मांग रहे हो? क्या मांग रहे हैं? हाँ अरे साधु महाराज हैं, भ्रमण करते हुए आ रहे हैं। एक बात बताओ, हाँ तुम कौन हो? हम महाराज के डोड़ीवान हैं। तुम महाराज के डोड़ीवान हो? हाँ अच्छा, तुम्हारे महाराज का नाम क्या है? हमारे महाराज का नाम दुनिया जानती है, महाराज आप नहीं जानते हो? भक्त क्या नाम है, हम पूछ रहे मोरा हैं। ध्वज। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। तो जाओ अपने महाराज से ये खबर कर दो, द्वार पे कोई दो साधु आए नहीं हैं। महाराज, मुझे ही कह रखा उन्होंने, जो कुछ चाहिए मांगो, मैं दे दूंगा आपको। क्या तुमसे काम नहीं तू क्या चलेगा? देगा हमें? सोटा ले ओ, लंगूठा ले ओ, कमंडल ले ओ, कम्बर ले ओ। क्या साधुओं से बैठ में मांस करता है? माधु कमल सातवा लो। है। और क्या और बा समझता तू? बाबा पिल्ला कौन से देश को है? अरे पिल्ला है, पिल्ला है, और क्या है बाबा, शेर है, शेर। शेर है? हाँ जंगल का राजा दुख देखा है तूने कभी? दो शेर है या एक शेर ही शेर है? एक शेर है। अच्छा, ये जंगल का राजा शेर है। जंगल में शेर रहता है हाँ जो? वही शेर है हाँ ये। तो महाराज फिर क्या चाहिए आपको? इसलिए हमसे बहस मबहसा छोड़ अच्छा और जाकर के अपने राजा से कहे। महाराज से कहूं, हाँ साधु साधु आए हैं तुम्हारी डोरियों पर। एक माधु सात माँ है और एक माधु एक सात क्या माँ साधु महात्मा? ए सीधा बोल, माधु साधु महात्मा सातवा, बोलो। माधु सातवा, साधु महात्मा बोल। साधु महात्मा, साधु हाँ, महात्मा, बहस साधु। मवासा करता है साधुओं अच्छा से। अच्छा बाबा, अच्छा अच्छा बाबा, अभी खबर करता हूँ जाओ बाबा, जाओ कर दो खबर। और नहीं तो मैं बताऊं बाबा, जो चाहिए सो ले जाओ। तुझसे काम नहीं चलेगा, अपने राजा को भेज। अच्छा बाबा, यहीं भेजू? हाँ यहीं हाँ। भेजो। अच्छा अभी खबर करता हूँ। नारायण 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 नारायण। महाराज के जीवन की जय हो। जोड़ीवान महाराज, क्या सूचना है? महाराज सूचना ये है, हाँ दो माधु सातमा आए महाराज। माधु सात्मा? हाँ, और एक उनके पास, नहीं साधु महात्मा हाँ कहो। साधु महात्मा। हाँ और महाराज एक उनके साथ में वो है, वो जंगल में जो सबसे बड़ा बताते हैं, शेर। शेर। हाँ महाराज शेर, शेर भी है? हाँ वाह, शेर। और वो आपको बुला रहे हैं महाराज वहीं। मुझे बुला रहे हैं? हाँ, ये कहा है कि यहीं बुला के लाओ। अच्छा हमने ये कहा था कि आप यहाँ बैठिए, मुझसे मांगिए कि नहीं, क्या बकता है, भस्म कर दूंगा, कभी कह भस्म कर दूंगा, कभी कह शराब पिला दूंगा, शराब दे दूंगा। हाँ तुम मैं बड़े हैं सिद्ध पुरुष हैं, महाराज, फिर मैं तो चला आया, हमको वही बुलाया है। आपको वही बुलाया है महाराज। चलो हम चलते हाँ हैं। महाराज, किसी बच्चे को ना खा जाए शेर का बच्चा। नहीं, ऐसा नष्ट नहीं होने देंगे। हाँ महाराज, कहीं ऐसा ना हो, मैं तो अपनी बहू का खेल आई हूँ बस। चलो हम चलते हैं। आइए महाराज। प्रणाम महाराज। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, सदैव प्रसन्न रहो राजन। करूं दंडवत जोर कर पद पंकज धर शीश, बुलवाया मेरे तई कारण कवन मुनीश। प्रभु आपने मुझे बुलाया। राजन जी, सारी दुनिया तुझे दान दानी कहे, दान लेने तेरे पास आए हैं हम। तू है दानी अमानी, यह हो कैसे यकीन, क्योंकि दानी जगत में रहे बहुत कम। दान दे दान दे दान दे दान दे दान दे दान दे जो रखे भूख दम। कर दया करता उजर ही नहीं,
दान देने में करता उजर ही नहीं। आज दान दूंगा वो दूंगा और तुम परख लीजिए, श्री महोदय परखने का जरूरी आपकी, बिन बताए मुझे कुछ खबर ही नहीं। गर्चे मांगो दान में और आप मेरी सल्तनत, तो भी सकता मैं इनकार कर खाता नहीं। जो कहे ही कहे ये दान देवे न कुछ, ऐसा इंसान दानी कहा समाता नहीं, ये हमारे जिगर में समाता नहीं। तैसे दिल खोल हमको बचलती हमको वचन तीन दे, बिन वचन दिए विश्वास आता नहीं। तैसे दिल खोल हमको वचन तीन दे। मैं दान दूं दान दूं दान दूं आपको और दे त्रिवाचा यकीन अब कराता हूं मैं, श्री गुरु की कसम और भगवती की कसम और कसमता तुम माता की खाता हूं मैं। अब ना देरी करो और निज मनोरथ कहो, अरे प्रभु चरण में ये सर को झुकाता हूँ मैं। मांग लो मांग लो मांग लो खोल दिल, अपने कर पे लो गंगा उठाता हूँ मैं। श्याम दास जी ये शब्द गाय गंगा उतार बचन भर दिए तीन, अरे दान दे भी सांब से हमको हुआ है यही। श्री राजन महाराज हरि मनोरथ पूरन करो हमारो, हरि प्रबल भूख को मारो है व्याकुल ये शेर हमारो। और भूखा है तुम और तुमरी नार, हाथ दोनों तुम ले ओ ए आरो चीरा पुत्री अपने को केहरी के आगे। हमें सामान मंगा
शेर ता पीछे हम जे महंगे। हमारे शेर का इंतजाम करो पहले, ये बहुत भूखा है। राजन, श्यामदास ने कहा जो कुछ सुना तुमने। महाराज, कहने आपकी से प्रभु उजर मुझे कुछ ना, अजि मगर आप ही कीजिए कुछ विचार मनमा। क्या ना भरे पेट बलराज का लाल से जीना, अभी कुछ उम्र ही नहीं। मैं मनो मास मंगवाए दूंगा, अभी कुछ करो केहरी की फिकर ही नहीं। खूब अच्छी तरह प्यार से प्रेम से पेट भर के खिलाना रखना कसर ही नहीं। गरचे भूखा मनुष्य के ही मांस का मैं खड़ा हूँ, खिला दो गुजर ही नहीं। प्रभु, आपका कहना ठीक है, परंतु बच्चा है राजन, उसके मांस से केहरी का पेट नहीं भरेगा। राजन, मैं इसके लिए बहुत मांस मंगवा दूंगा। तीन वचन दे किस लिए, तुमने हमको तीन वचन दिए हैं। हाँ महाराज। तीन वचन दे किस लिए, रहा जबा को फेर ये दानी के ही पुत्र का भोजन करता शेर। दानी के ही पुत्र का ये भोजन करेगा, तुमने हमको वचन दिया है। देता मर दुझ को दान हरी बने जो दानी, हम चले जाए हमें भूखे थी। सत्वादी हो सत या बर्बादी का क्यों करता है काम। मैदान कुमार का भोजन कर बेगा, अरे मुक्ति पावे कीर्ति जहान गा बेगा। तुम नहीं कर दोगे और दाता घर जावे, तुम नहीं कर दोगे। ठीक है महाराज, तुम मना कर सकते हो। आप मना कर सकते हो हमसे? नहीं महाराज, अपने राम चले जाएंगे। हम तो उल्टे चले जाएंगे। मुझे तो क्या बेचारा है, समय चाहिए महाराज। समय? हाँ, थोड़ा सोचने का। सोचने का समय चाहिए। हाँ महाराज। कितना समय? थोड़ा सा। अच्छा, हाँ ठीक है राजन, विचार कर लो। कहाँ जा रहे हो? यही हूँ महाराज। अच्छा, सुनाओ जल्दी करना। जी। नारायण नारायण नारायण। साधु सत सुत दो उनको, मांग चुके दिल खोल। अरे सुतहारू या सत तजू, ये दोनों वस्तु अमोल।
सत हार दूं, सत धर्म ये सारा हमारा जाएगा। सत हार दूं तो धर्म सारा हमारा जाएगा। सुत को तजूं तो महल मेरे का उजारा जाएगा। आज तक जिसकी मिले पाला पनों सा परवरिश की, आज तक जिसकी मिले मुझके तो उसके शीश पे, मुझको तो उसके शीश पे रखा न आ रहा जाएगा। नहीं, अब यही अच्छा है, अब तो यही बेहतर रहेगा। सत को रखूं कितना भी कष्ट हो, अब तो यही बेहतर रहे कितना भी चाहे कष्ट हो। सत को रखूं सुत और भी आ जाएगा। दुख सलाह उसकी भी तो लूं जिसका गुल हजारा जाएगा। महाराज को दासी का प्रणाम स्वीकार। यह आपके चेहरे पे उदासी, चमक दमक मुक्की उड़ी प्रियतम प्राण आधा, दासी को बतलाइए क्या गम रंज सवा। चांद चेहरे की सारी चमक उड़ गई, कैसे आंखों से आंसू बहावो पिया। दासी पूछे खड़ी सुकरासी मेरे, किस सबब है उदासी बतावो पिया। आपने गम का अलम का ससा पंज का, सारा किस्सा हमें भी सुनावो पिया। ऐसा भारी क्या सदमा पड़ा कर, सो बतावो न मुझसे छुपावो पिया। बताइए प्राणनाथ, क्या बात है? महारानी क्या बताऊं? नहीं नहीं बताइए प्राणनाथ। आए भूखे भिखारी मेरे द्वार दो, उन कटारी सकलमा सुनाया प्रिया। मांगा बेटा तेरा और केहरी के लिए, मेरा देने में दिल थर थराया प्रिया।
मांगा बेटा तेरा। मजबूत कर डर तुम्हारी तरफ का समाया प्रिया, बस यही रंज सस्पंज और मेरे दिल बीच है, सिर्फ ले ले सलाह तेरी आया प्रिया। मुझको गुजर ही नहीं, सैया पैया पढ़ू हूँ कभी भूल कर, मेरे लालन का करना जिक्र भैया नजर ही नहीं, जरा दिल में तो सोचो विचारो पिया। मेरे दो चार खेले ही नहीं, जरा दिल में तो सोचो विचारो पिया। तेरा कहना सही है मगर क्या करूं, आके अटकी कठिन बस बसाता नहीं, आके अटकी कठिन बस बसाता नहीं, जाते भूखे वो साधु और मेरे द्वार से, जो गया सच फिर हाथ आता नहीं। कोई हाय इतना बताता नहीं, हाय भूखा कुंवर का, हाय भूखा कुंवर का, कुंवर का है केहरी सिंह, हाय मुझे अब तो खाता नहीं। रानी प्राणनाथ, अगर मैं त्रिभाचा दे चुका हूँ, अगर सुत को न दिया तो वो भूखे चले जाएंगे तीनों प्राणी हमारे दरवाजे से। प्राणनाथ क्या करूँ, जो है मर्जी तुम्हारी सी तोर तो, संत आए हैं भूखे डिगारो मती, दे चुके दान में प्यारा छो ना ललन, तो कभी धर्म अपना बिगाड़ो मती। जो हम तुम कायम सुत सेक रहोगे, जो हम तुम कायम सुत सेक रहोगे, दिल धरो धीर हिम्मत को हारो मती, सुत बिसारो पति, सुत बिसारो पति, सत बिसारो मती, सत बिसारो मती।
धन धन है तुझे अर्ध शरीर नार, अरे सत की तू साथी भई और सुत का मोह विसार। सुत का तजाए मोह तूने तू सत्य की साथी भई, तेने भी मेरी ही तरह कर वज्र की छाती लई। रानी प्राणनाथ बहुत अहो भाग्य हूँ मेरा जो तुम जैसी पत्नी पाई, लेकिन सच रखना न रखना अब तो हमारे लाल के हाथ है। हाँ प्राणनाथ, उसके भी तो हृदय की पूछे जी। आओ चलो उससे बात करेंगे। माताजी प्रणाम। पिताजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। बेटा छोना लाडले वंश कन्हैया लाल, आज अचानक ही कुंवर आया तेरा का, सुत आया सर पर काल न बचे बचाया, देव ने तेरा हमसे वियोग कराया। मुश्किल से पाया तो सुख देखने के समय विधाता दुख दिखलाया। मत मात पिता रोना द्रग नीर बहा, आज कैसे आया मम काले आज बतलाओ। मेरी सबको मरना है, हमर न जग में कोई और नहीं मरने से डरना है। बेटा दो साधु आए द्वार ये वचन उचारा, सुति ताम्र ध्वज को चीर सिंह को चारो। राखो सत बाप आपने को छोना जीव ये हर अंग हमारा जाता। मेरे बराबर भाई साहब कोई नहीं। मेरी मात हर सुत गए सुत हो जामे और
सत्य गयो मिलनो ना माता सत्य गयो मिलनो ना और माँ सोच समझ कर को ना मास गर्भ मेरा को लगो ना भारो अभी कैसे तेरे शीश चलायो जाए आरो मेरे लाल हमारो है प्राणन से प्यारो कैसे तेरे शीश चलाओ जाए छोना और जीते जी के सुत मात और पिता और भ्राता और फिर पंचता तुम्हें पंचता तुम मिल जाता धोगी अग्न पजा हर दो संतन को दान और तुम्हारा यश गावे संसार कैसे जीऊंगी तेरे बिना मैं कुंवर ये बता मुझको नैया खिवैया मेरे सुख भाजन से कर दुख भाजन मुझे जाता पर लोक सुख के खिवैया मेरे है उम्र भर की मेरी कमाई तुई सुत सुमन लाडले लाल छैया मेरे तेरे पीछे में बेटा और कहूँ कौन को कहे मुझसे मैया कन्हैया मेरे ये माता तेरी अकल हर मैया तेरी अकल हर उड़क दर को गई जो कि रो रो कि मुझको रुलाती है तू हर जो कि रो रो कि मुझको रुलाती है तू मेरी देही लगे धर्म के हेत फिर क्यों न गम को अलम को हटाती और मुझे अपनी कमाई बताती है तू मुझे अपनी कमाई बताती है तू जिसने पैदा किया और मैं उसी का हुआ हर क्यों वृथा मोह मुझसे बढ़ाती आप ही समझाइए पिताजी माताजी को और मेरे तोता मेरे तोता जो होता कुमार दूसरा रे मेरे तोता
निभाता मैं अपना धर्म मेरे आगे से बेटा। अरे देख तू उन चला मैं अभागा हूँ फूटा है मेरा करम। पिताजी आप भी ऐसी बातें करते हैं। बेटा देखो जिसने रचा सर्व संसार को मैं चराचर नरो नार सीतो गरम चांद सूरज सितारे सितारे व वृक्ष बली जीना मरना खुशी और रंज अलम। ओ उसकी कुदरत में दावा उसकी कुदरत में दावा और किसी का नहीं आने जाने की जग में है जारी रसम तो भी अपना धर्म ना निभाओ पिता। धर्म ना निभाओ पिता हासितम हासितम हा सितम हा सितम तो भी अपना धर्म ना निभाओ पिता। धन धन तेरी मात को धन धन बेटा तो समूह सुकृति जगत में हो ना आगे हो। बेटा चलो महाराज के सामने चलते हैं और उनको जाके तुम्हें अर्पण करते हैं। आओ से बिसारो प्रिया प्रेम से प्रीत से और साधुओं के लिए जाओ जाओ भोजन बनाओ प्रिया। अकेला इसे कैसे जाऊं पिया ना जगे चेत गाफिल है खामोश है ना जगे इसको कैसे जगाऊं पिया। खैर जाओ आप लाओ जल जब तलकी मैं भी पीछे तुम्हारे ही आऊं पिया। सुत गया सो गया सत को जाने न दू अभी संतों का चौका लगाऊं पिया।
हरारी। आप जाइए, जब तलक आप जल लाओगे मैं तब तलक चौका लगाती हूँ। ठीक है। सुत तो चला गया लेकिन सत को नहीं जाने दूंगी। हाँ, प्राणनाथ मैं जाइए जल लेने के लिए। हाँ कहो राजन। महाराज चौका लग गया। हमने जो कार्य सौंपा वो किया? हाँ महाराज, सब कुछ तैयार है। अब चौका लगा दिया आपने? हाँ। अब एक काम करो राजन। क्या आज्ञा है? 5 पत्तले लगाओ। 5 पत्तले? हाँ। 5 पत्तले कैसे महाराज? क्यों 5 पत्तले? 4 प्राणी हैं। अरे 3 तुम और 2 हम। 5 पत्तले हुई कि नहीं? हम 3 कहाँ हैं प्रभु, हम तो 2 ही हैं। क्या राजन झूठ बोल रहा है? नारायण नारायण नारायण। महाराज हम आपके समक्ष खड़े हैं, हम 2 ही तो प्राणी हैं। ये बात है। हाँ महाराज। तैने भूपत पाप से अच्छे दिए बचाए, ये अब हम भोजन ना करें, साची कहे सुनाए। चलो शामदार साहब, चलो। नहीं हम नहीं करेंगे। अरे कमाल कर, निपुत्री के यहाँ भोजन हम नहीं करते हैं। महाराज आपने पहले नहीं बताया हमको? पहले नहीं बताया निपुत्री? नारायण 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 नारायण। महाराज आप क्या कह रहे हैं ये? हाँ एक ही बेटा था हमारे, और वो भी आपके सामने हमने चीर के सिंह को डाल दिया, और आप कहते हैं हम निपुत्री हैं? ये क्या अनर्थ कर रहे हैं प्रभु? अब बेटा कहाँ है? आवाज लगा के तो देखो अपने पुत्र को। आवाज किसको लगाऊं? राजन आवाज लगाओ। दुख भरा बेटा तेरा पिता बोलता, जरा बोली अमोली सुना वो ललन। बेटा जरा बोली अमोली सुना वो ललन। जाते भूखे ये साधु और मेरे द्वार से, कर खुशामद ये भोजन कराबो ललल। बेटा रतन कुमार, बेटा कहाँ हो तुम? बेटा ए पिता धीर धारो, ए पिता धीर धारो, और हिरासा न हो, बांधो दिल में दिलासा, में आऊं अभी साधुओं सिर के मात के आपके, सर सभी के कदमों में झुकाऊं अभी। बेटा कहाँ हो, जल्दी आओ बेटा। रतन कुमार तुम कहाँ से बोल रहे हो? खुशामद मनाऊं अभी, करके मिन्नत खुशामद मनाऊं अभी, प्रेम से प्रीत से और ने सत्कार से, आ रसोई सभी को जिमा।
ये क्या हुआ श्रीधर? चमत्कार है तो। माधु सातवान ने चिरवा दिया था। कहां से साधु माधु? कहां से? कोई निशान भी नहीं है। वो खून भी नहीं है जो इसके खून बह रहा था। वो साधु नहीं थे है? ये कोई बाजीगर है श्रीधर। बाजीगर का खेल दिखाया इनने। कहां गए साधु? गए कहां? उन्हें लाओ, कहां है? कहां ये? चलो उनको देखते हैं। कुछ नहीं, सही है मेरा बेटा। है बिल्कुल सही है, बिल्कुल। ये तो चमत्कार ऐसा दिखाया है। चमत्कार है भगवान का। ये प्रभु कैसी लीला है? कैसी लीला है भगवान आपकी? ए माधु सातवाओ, मेरा बेटा सही है। माधु सातवाओ भागे। श्रीधर माधु सातवा नहीं, श्रीधर साधु महात्मा कहो। प्रभु आपकी ये कैसी लीला है राजन? ये क्या किया आपने? तुम्हारा सत्य पूरा हो गया राजन। तुम जो वरदान मांगना चाहते हो वो मांग सकते हो। क्या मांगू मैं आपसे दीन अनुपत दीन दयाल, और जन्म जन्म में आपके बस हो दरसु भगवान। प्रभु बस मैं तो यही मांगता हूँ कि मैं जो भी जन्म लूँ आपकी भक्ति प्राप्त हो और आपके ऐसे ही दर्शन होते रहे। मित्र अर्जुन की बातों में आके मुझे तू प्यारे ब्रथा ही सताना पड़ा, तेरे द्वारे पे बन संत ज्ञाना पड़ा, भूप भूखे भिखारी कहाना पड़ा। सारा अभिमान इसका घटाना पड़ा, धर्म तूने ये अपना निभाना पड़ा, जो तूने मांगा है बर मैंने दीना न पति, बस इसी हेत किस्सा बढ़ाना। आज जो आपने लीला देखी है आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, और आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छी बात पढ़ें, अच्छी बात सुने और अच्छी बात देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और परिचय इस तरह से है कि मास्टर विष्णु जी हरियाणा निवासी चिरवाड़ी इनका गांव है, जो कि अर्जुन का वो मोरध्वज का काम कर रहे थे, और ये अर्जुन का जो काम कर रहे हैं ये मास्टर बालकृष्ण भारतीय हरियाणा, और विष्णु का जो काम कर रहे हैं यानी कृष्ण जो बन रहे हैं वो कामा निवासी श्री रमेश चंद शर्मा, और हमारे बाल कलाकार लेखराज सिंह बैनीवाल, और ये जो रानी का काम कर रही हैं श्रीमती संतोष कुमारी राजस्थान, हमारे वादक कलाकार हारमोनियम पर जो संगत कर रहे हैं म्यूजिक दे रहे हैं बहुत ही मधुर बजा रहे हैं बाजा, वो हीरा लाल मास्टर ब्रजवासी, और नक्कारे पर जो संगत कर रहे हैं धगन का तू नृता धाती दक्रान यासीन खां गोवर्धन ब्रजवासी,
और ढोलक पर जो हमारे संगत कर रहे हैं छाता निवासी हैं हरप्रसाद शर्मा जी, ये भी ब्रजवासी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धगन का तू ना कृता धाती दा क्रान, एक बार सभी भाई प्रेम से बोले बोला टाल छात्र की।